दोस्तों हम सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी स्मार्टफोन 4G सपोर्ट वाले हैं, तो ऐसे में आप सबके पास भी वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ऐसे तमाम कंपनियों के सिम कार्ड्स आपके पास मौजूद होंगे। तो भैया बात आती है कि जब हम सभी के पास अच्छी कंपनियों की स्मार्टफोन और अच्छी कंपनियों की सिम कार्ड्स मौजूद हैं, तो आखिर हम सभी को अच्छी 4G नेटवर्क स्पीड क्यों नहीं मिल रही, आखिर इसका रीजन क्या है। तो भैया अगर आपको भी 4G नेटवर्क की समस्या हो रही है, तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक वाले काले बटन को प्रेस करके नीला कर दीजिए और वीडियो के नीचे राइट साइड में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। छोटा भाई यार इतना तो कर ही सकते हो, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते, मुझे उम्मीद है आप जरूर करोगे। तो दोस्तों फटाफट जाओ और चैनल वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दिल की बातें हो जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। दोस्तों चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर और जानेंगे कि आखिर वह कौन सा ट्रिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप कहीं पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर होगा सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग में आपको सबसे पहले जाना होगा, सेटिंग्स में ध्यान सुनिएगा, सेटिंग्स में आपको जाना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स के ऑप्शन में। सेटिंग्स को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर दिखाई देगा आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपको दिखे तो तुरंत आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ आपको सबसे चौथे स्थान पर दिखेगा प्रीफेयर्ड नेटवर्क टाइप, यहाँ पर इसको आपको प्रेस करना है प्रीफेयर्ड नेटवर्क टाइप। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले स्थान पर 4G 3G 2G और दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है 3G 2G और तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है 3G ओनली और चौथे स्थान पर दिखाई दे रहा है आपको जैसा कि 2G ओनली। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जो कि लिखा है 4G 3G 2G ऑटो। इसे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये अपने मोड में आ जाएगा, और इसके बाद आपको सीधे बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ लिखा है आइडिया 4G, तो सिंपली आपको इसे प्रेस करना होगा। अगर आपका कोई दूसरा सिम होगा तो वहाँ पर, जैसे कि अगर आपका दूसरा सिम अगर जियो हुआ तो जियो लिखा रहेगा, अगर एयरटेल का है तो एयरटेल लिखा रहेगा, अगर वोडाफोन का है तो वोडाफोन लिखा रहेगा। जैसे कि मेरा आप देख रहे हैं, मेरा जैसे कि आप देख रहे थे पहले आइडिया 4G, मेरा आइडिया का सिम था तो वहाँ पर सिंपली लिखा है आइडिया 4G। तो सिंपली आपको इसे प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ इनेबल का ऑप्शन दिया, जो कि मेरा ऑन है। अगर आपका भी नहीं ऑन है तो उसे आप ऑन कर लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर लिखा है सिम नेम और सिम कार्ड नंबर, तो इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। सीधे हमें यहाँ पर देखना है नीचे एक्सेस पॉइंट नेम, ये जो लिखा है, तो सबसे पहले इसे आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए लिखा होगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, ध्यान से पढ़िएगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लिखा होगा। इसे आपको सिंपली यहाँ से प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है रीसेट एक्सेस पॉइंट, सिंपली आपको इसे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी देर लोड लेगा, उसके बाद ये आपकी पूरी सेटिंग को यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है रीसेट डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग कम्प्लीटेड, यानी कि आपका APN यानी एक्सेस पॉइंट नेम जो है आपके सेटिंग्स का, यानी डुअल सिम MLM आपके स्मार्टफोन की जो आपने सिम लगाया है, वो आपका जो नेटवर्क सेटिंग है अब वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपके मन में या दिल में अगर कहीं पर भी कोई भी टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे देखूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब भी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।